सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको एक जोटी दिखाई दे रही है, फर्स्ट टाइमर है। और ये जोटी, इस तरह की वीडियो इस चैनल पर हम कम बनाते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का एक विशेष मकसद है कि एक पशुपालक है, अच्छा पशुधन तैयार करके उसको अपने घर पर रहकर भी उससे आमदनी ले सकता है और उसको बेचना चाहे तो बहुत ही अच्छी कीमत पर वह बिक सकती है। तो ये वीडियो हरियाणा राज्य से हम लेकर आ रहे हैं, तो दूर दूर से ये पंजाब में ये जोटी जाएगी। तो ये आपके स्क्रीन पर जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, और बाद में मैं वीडियो में पूरी डिटेल दिलाऊंगा कि ये जोटी किसने बेची और किसने खरीदी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। फर्स्ट जी नमस्ते। नमस्कार जी। सबसे पहले तो कोई हमारा नया दर्शक हो तो उसको प्लीज एक बार अपना परिचय बता दीजिए, जगह एड्रेस और लोकेशन। आजी मैं मास्टर जय भगवान, गाँव काकड़ोली हुक्मी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा, राज्य हरियाणा। जी तो मास्टर जी इस जोटी की डिटेल बताओ सबसे पहले तो, कि ये कौन से लैक्टेशन में, मैंने वैसे बता दिया लेकिन एक बार इसकी उम्र के हिसाब से आप बताओ। हाँ जी, इस ये ढाई साल की हुई है जी। अब ढाई साल की हुई है, पहली बार इसने बच्चा दिया है। हाँ जी ठीक है। तो अभी कितने दिन हो गए इसको बच्चा दिए मास्टर जी? इसको 12-13 दिन हो गए जी। 12-13 दिन हो गए। कितना दूध अभी इसने बनाया इस जोटी ने? इसके 12 किलो दूध है जी। 12 किलो तैयार है, कम नहीं है, 12 दिन में 12 किलो दूध तैयार। हाँ जी। तुम्हारे जी आपके घर की थी कि खरीद के लेके आए थे? ये जी एक साथी से ले आए थे। अच्छा अच्छा। कटिया ले आए थे। कटिया लेके आए थे तो प्रेग्नेंट वहीं से होके आई थी? हाँ, प्रेग्नेंट पीछे से होके, पीछे से प्रेग्नेंट होके आई थी। हाँ जी। तुम्हारे जी थोड़ा सा साइड में आप एक बार इसकी अंडर क्वालिटी और ये थनों की बनावट ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में। तो आपने कितने महीने इसकी सेवा की मास्टर जी? ये मेरे पास 4 महीने रही है जी। 4 महीने आपने इसकी सेवा की और अब इसको सेल कर दिया? आप सेल कर दिया। तो सेल किन को किया इसको? सेल जी अपने बड़े भाई नंबरदार जी पंजाब से हैं और पवित्र भाई है, उनको सेल कर दिए। अच्छा, नंबरदार साहब को सेल कर दिया। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो भी पशुपालक है आप इनके चेहरे से बिल्कुल परिचित होंगे, कहीं ना कहीं मेले वगैरह में जरूर आपने देखा होगा। और इतने सारे ये भाई जो बैठे हैं ये भी देखने के लिए आए थे कि नंबरदार साहब पंजाब से हरियाणा में ये जोटी खरीदने के लिए आए हैं। तो मास्टर जी इस जोटी की चुवाई करके नंबरदार साहब ने देखी है, कैसे सेलेक्ट किया, कैसे पास किया, कैसे पसंद किया, वो थोड़ा सा बताओ एक बार। नंबरदार जी के पास वीडियो डाली थी ब्याह उससे दूसरे दिन। अच्छा अच्छा। और नंबरदार जी ने उसी दिन पसंद कर ली थी और यस कह दिया था, और मैं भी यही चाह रहा था ये दोनों भाई साहब अपने एरिया में आए यहाँ और अपना एरिया देखे, यहाँ अपना भैंस जो भी जोटी है देखे, अपने एरिया में पहली बार बुलाए हमने। अच्छा अच्छा, पहली बार बुलाए, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अभी भी इसकी धार निकाल के नहीं देखी क्या? ना अभी नहीं, नहीं निकाली है, अभी नहीं निकाली है। तो मास्टर जी कैसा लगा जोटी बेचकर? रेट आप ही बताओगे, नंबरदार साहब से पूछेंगे? हाँ जी, कौन बताएगा वो बताओ आप, क्योंकि रेट भी बताना है। नंबरदार साहब ने शायद सेल परचेज के लिए तो ली नहीं है, अपने घर के लिए ली, घर के लिए ली। तो किस रेट में सेल करी मास्टर जी? ये 1,85,000 रुपए में सेल। 1,85,000 की, वाह जी वाह, बहुत। नंबरदार साहब राम राम। राम राम जी। तो सबसे पहले तो आपका हरियाणा में, वैसे आप घूमते रहते हो लेकिन इस गांव में पहली बार पहुंचे हो, तो आपका स्वागत है फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से भी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो नंबरदार साहब जोटी खरीद ली आपने? हाँ जी हाँ जी। तो क्या कुछ करेक्टर्स देखकर आपने खरीदे जोटी के, क्योंकि फर्स्ट टाइमर, और बात भी ऐसी बताई मास्टर जी ने कि विश्वास पर इसको खरीदा है? नहीं, विश्वास पर ही खरीदा है, लेकिन हमको देखने में अच्छी लगी, जो चीज अच्छी होती है तो देखने में पता चल जाता है। और लंबा अनुभव हो गया इस हिसाब से आपके? अनुभव हो गया, और देखने से पता चल जाता है भी पशु कैसा है, क्या चलन कैसा है, कितना दूध देगा, क्या है, ठीक है। बॉडी करेक्टर उससे पता चल जाता है, देख के वह सिलेक्ट कर ली थी। वीडियो डाली थी मास्टर जी ने, उस पर सिलेक्ट कर ली थी हमने। अच्छा, कोई दूध नहीं देखा, कुछ चुवाई करके नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। हाँ जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो करेक्टर से इसमें आपने मुर्रा के देखे के नंबरदार साहब, और क्या क्या देखे, क्योंकि नए लोगों के लिए थोड़ा सा हो जाए तो आपके हिसाब से तो पता चल जाए उनको भी कि भैंस खरीदते हैं तो वो कैसे पसंद करते हैं। आप तो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार होता है वो करेक्टर पहले पहचान लेता है जी, कौन से करेक्टर हैं, दूध वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। आर्डर से पता चल जाता है, थनों से पता चल जाता, बॉडी से पता चल जाता है, पशु बता देता है, दूध निकालने वाला कैसे कैसा पशु होता है, ये बात है। तो नंबरदार साहब हमारे हरियाणवी भाषा में जब पशु देते हैं तो एक बात कहते हैं कि आपको लेना दे। हाँ जी, हमारे भी यही कहते हैं, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं भाई। तो इन सभी भाइयों की तरफ से, और मास्टर जी ने तो वैसे आपको बोल ही दिया जैसे जब इन्होंने मोरी पकड़ाई थी,
मैं अपनी तरफ से भी आपको भगवान आपको लेना दे ये कहना चाहता हूँ। तो और भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत सात श्री अकाल जी। मैं राम राम सारे। भूप जी क्या हाल चाल? ठीक है जी। कैसा लगा मास्टर जी की झोटी देखकर और खरीद बेच देखकर? बिल्कुल सही लगा जी। सही लगा भाई साहब, नोर दे दो आप। नसीब भाई राम राम। राम राम जी। तो आप भी नंबरदार साहब की कंपनी के साथ आए कि झोटी देखने आए? कैसे क्या विचार हुआ थोड़ा सा बताओ। के लिए भी आए जी। अच्छा। सबसे बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। मैं इसको सबसे प्यार ज्यादा नसीब को करता हूँ। वाह जी वाह। ठीक है, बोलने वाली बात तो दूसरी होती है, सबसे ज्यादा नसीब को भाई मानता हूँ मैं हरियाणा में। एक नंबर का सच्चा सुच्चा आदमी है, कोई गलत काम नहीं करता। ना गलत काम का साथी है। तो नसीब सर आपके विचार भी बताओ झोटी के बारे में। जब आप सच्चे मित्र का मतलब ये होता है कि अब नंबरदार और आपको अलग नहीं समझेंगे, हम एक ही बात है। हाँ जी हाँ जी। तो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें पसंद आई झोटी में? झोटी की लंबाई बहुत बढ़िया जी। और 2.5 साल की झोटी ने बच्चा दे दिया। पशुपालक के लिए यह अच्छी बात हो गई, 2.5 साल की भैंस या कटड़ी बच्चा दे दी। हाँ, सबसे बड़ी जी बचत निकलेगी जी। अगर 3-4 साल में बच्चा देगी तो कहाँ से बचत आएगी जमींदार को जी। अभी भाई भी कटड़ी खरीद के लिया था और बढ़िया रेट में बिकी, बढ़िया रेट खुद लगा के लिया था। तो अच्छे पशु पालो, अच्छी नस्ल के पशु लाओ, खाना इतना ही है, अच्छी ने भी इतना ही खाना है और घटिया नस्ल ने भी उतना ही खाना है। तो आजकल मैं लगभग हर अनुभवी आदमी से एक बात पूछता हूँ कि पशुपालन में एक विशेष बात चली हुई है जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि मैंने भी लगभग 14 से 15 साल भैंस पालन किया है। तो पशुपालन में आज के टाइम में कुछ बचत है कि नहीं? नसीब भाई साहब जी आपके विचार बताओ थोड़ा सा। वीडियो चाहे लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो जी बचत तो है। हाँ जी बचत है, तभी तो लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो बचत के बगैर तो कोई काम नहीं करता। पशुपालन में बचत है, लेकिन दूध के रेट अप डाउन हो उसके हिसाब से बैलेंस नहीं बन पाता। पिछले साल इन दिनों में 85 रुपए रेट था, आज 75 रुपए रेट है, 10 रुपए का यही घाटा हो गया। अगर फिक्स रेट हो जाए नहीं भाई, इतना फिक्स रेट है तो पशुपालन बचत का वो है जी। 2.5 साल में अभी इस भाई ने देखो 2.5 साल में कटड़ी तैयार कर दी। ऐसे तो बचत है, अगर 4 साल पड़ेगा फिर किसी को बचत नहीं। मतलब नस्ल अच्छी होनी चाहिए और उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। बिल्कुल ये बात हुई। दूध के रेट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नहीं हमारे हाथ में है जी। हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है, बढ़िया तरीके से बेचो। अभी क्या करते हैं, यहाँ से डाल देते हैं। कोई यहाँ पे आया दूधिया, उसको डाल दिया भाई, फेंट पे डाल दिया। अब उसका बढ़िया प्रबंधन करो, उसको बढ़िया शहर नजदीक है शहर में बेच के आओ, या अगर ये इतना खेचल आदमी करेगा तो ही बचत निकलेगी। ऐसे तो 50 रुपये किलो दूध लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो आप देख रहे थे मास्टर जी की, जो जिन्होंने इस झोटी को सेल किया और साथ में एक नई बात जो निकल कर आई कि दूध के रेट हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में चीजें जब होती है, क्योंकि आज किसान भी खूब जोर शोर से और कभी से ही रोना धोना शुरू करे, लेकिन जब तक मार्केटिंग के गुरु नहीं सीखेंगे, अपने प्रोडक्ट को सही कीमत पर उन्हें खुद को बेचना नहीं आएगा, तब तक प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और इसी तरह ये पशुपालन है, पशु की सही कीमत, सही देखभाल और उसके उत्पाद को सही कीमत पर बेचना भी पशुपालक की जिम्मेवारी। वो चाहे कहीं से भी सीख के आए, कहीं से भी कितना ही प्रयास करे। तो दोस्तों इससे ज्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नंबरदार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नसीब भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो मास्टर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी भाई अभी यहाँ पर बैठे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।